गुड मॉर्निंग। की समस्याएं हैं तो उन सारी समस्याओं का भी अगले एक दो दिन में निदान करेंगे, और हम लोगों का जो प्रोग्राम है उसमें आपको हम 22 मई तक हर हाल में फ्री कर देंगे। 22 मई तक का एक शेड्यूल देकर और जितने भी जो भी कंपोनेंट्स जो भी चीज़ें हैं उनको फ्री करेंगे, क्योंकि जैसा विश्व सूत्रों से जो सूचना है वो 17 जून के ही एग्ज़ाम की है, ताकि आपको थोड़ा तैयारी का भी और याद करने समझने लिखने इन सब का भी मौका मिल सके। यहाँ पर मैं केस स्टडी में जो बात आपसे पहले डिस्कस करूँगा, ज़्यादातर मैं उच्चारण केस स्टडी ही करूँगा, हालांकि राष्ट्रभाषा हिंदी में इसको प्रकरण भी कहते हैं, कई जगह मामला अध्ययन भी आपको मिलेगा, और शुद्ध इलाहाबादी भाषा में इसको कांड भी कहेंगे। कहते हैं कि कांड हो गया, तो केस स्टडी के वेटेज पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि मैं क्यों इसको अलग से एथिक्स के पार्ट में होने के साथ साथ क्यों इस पर अलग से फोकस कर रहा हूं, इस बात को आप समझिए क्यों इसका कितना भारांश है और कितना ये महत्वपूर्ण है। केस स्टडी है क्या, क्या है ये, क्यों इस पर सतर्क रहना जरूरी है आपको, केस स्टडी क्यों लगाई गई है ये भी समझना बहुत जरूरी है, कि वाई इट हैज इंक्लूडेड इन योर पेपर, क्योंकि आपके पेपर का नाम है इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड से इसका क्या रिश्ता है, और केस स्टडी के प्रकार कितने होते हैं, उसके बाद मैं आपसे हल करने के तरीकों पर डिस्कस करूंगा और उदाहरण लेंगे और हल करेंगे। और कृपया नोट्स के लोभ के चक्कर में क्लास की जो बातें हैं उसको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है, सेलेक्ट हो जाओगे डिप्टी कलेक्टर हो जाओगे तो वीडियो भी वो ऐसे ही डिस्टर्ब कर देंगे बीच में, तो भी ठीक नहीं है। तो भारांश जो है, खाना पीना खाकर आए हैं आपको, आगे देखिए बहुत उदास होकर कुछ लोग बोल रहे हैं, तो आईएएस के एग्जाम को अगर यहां पर आधार बनाएं तो 120 से लेकर 130 अंक की केस स्टडी पूछी जा रही है। 2013 2015 17 18 में 120 अंक का, एक साल 125 अंक का, और एक साल 130 अंक का पूछा गया, ये 250 मार्क्स में पूछा गया। ऐसे अगर आप देखेंगे तो 125 नंबर जो होता है 250 मार्क्स में वो 50% हुआ, तो तकरीबन 48% से लेकर 52% पेपर का जो हिस्सा है वो केस स्टडी है। आप ये कहेंगे कि सर हमको आईएएस की तो भी आईएएस का मेंस को लिखना नहीं है, आप इसको क्यों बता रहे हैं, तो आईएएस वो आईना है जिस आईने में तमाम राज्य लोक सेवा आयोग अपना चेहरा देखते हैं और देखते हैं कि वो कितनी कालिक लग गई है, कितने उल्टा हो गए हैं वो, इसलिए यहाँ पर यूपीपीसीएस फॉलो डिट्टो फॉलो कर सकता है, तो मैक्सिमम करेगा तो 100 मार्क्स। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक अनुमान लगाऊं कि यूपीपीसीएस में केस स्टडी कितने मार्क्स की होगी, तो अगर मैं एमपीपीएससी के पेपर को देखता हूं तो एमपीपीएससी के पेपर में 65 नंबर की केस स्टडी पूछी जाती है, इसलिए 65 से 100 नंबर तक की केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है। आपकी किस्मत जाने, क्योंकि केस स्टडी में याद और कुछ नहीं करना है, समझ लिया तो आप कर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 65 से 100 अंक की केस स्टडी पूछी जा सकती है। 100 अंक की अगर पूछी गई तो 50% पूरा हो जाएगा, वैसे 32% 33% इसके अराउंड रहने की संभावना है। अगर यहीं पर हम लोग एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी मैंने जैसे कहा कि 65 अंक की केस स्टडी पूछी जाती है आउट ऑफ 200,
फिक्स है, 65 नंबर का पूछा ही जाता है और बहुत अच्छी केस स्टडी पूछी जाती है। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया होगा, टेस्ट पेपर जिनके पास होगा, उसमें से हमने पहले टेस्ट पेपर में एमपीपीएससी की केस स्टडी रखी थी। केस स्टडी में विस्तार कम होता है लेकिन मुद्दे वही होते हैं जो आईएएस के होते हैं। और उत्तराखंड को मैं यूके लिख रहा हूँ, यूके पीएससी, यहाँ पर भी 32 से 35 नंबर का, मैं सही याद कर पा रहा हूँ, 32 अंक की केस स्टडी पूछी जाती है, 35 मार्क्स की केस स्टडी पूछी जाती है। दरअसल ये जो केस स्टडी है इसका वेटेज अगर आप देखेंगे तो ये वेटेज ही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। और जो भी सिविल सर्विसेज के पैटर्न में जो भी रिफॉर्म किया गया उसमें सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है वो यही है कि एप्टीट्यूड टेस्ट को इंक्लूड किया गया। तो केस स्टडी जो है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में, जो एप्टीट्यूड शब्द आया, एप्टीट्यूड को आगे डिफाइन करेंगे कि एप्टीट्यूड होता क्या है, दरअसल उस एप्टीट्यूड को वो यहां पर उसके वेटेज को प्रतिध्वनित करती है, कितना वेटेज इसका होगा। अगर प्रारंभिक परीक्षा में, प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें जीएस पेपर 2 या सीसैट एप्टीट्यूड टेस्ट को प्रतिध्वनित करता है, तो मुख्य परीक्षा में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर एप्टीट्यूड को प्रतिध्वनित करता है। और उसको एक्सप्रेस करने का, उसके माध्यम से प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो केस स्टडीज है। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, तो इसको लाइटली नहीं ले सकते आप। अगर 100 नंबर का पूछा गया तो ये बहुत बड़ा लायन शेयर हो जाएगा, ये डिसाइड करेगा। और चूंकि इसमें नंबर आसानी से आते हैं इसलिए मेरा अपना ये मानना है, बाकी बच्चों का भी, सीनियर बच्चों का भी मानना है और भी टीचर्स का मानना है कि जो भी उच्च पद पर पहुंचेगा, जो डिप्टी कलेक्टर बनेगा, उसको केस स्टडी में जरूर अच्छे अंक मिले होंगे तभी वो बन पाएगा। जैसे यूपीपीसीएस में सामान्य हिंदी और निबंध के अच्छे अंकों के बिना एसडीएम होने की परिकल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह से एक नई बात आप ये समझ लें कि अगर आप केस स्टडी में अच्छे अंक नहीं ले आ पाते हैं तो आप उच्च पद, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो लेकिन उच्च पद लाना मुश्किल होगा, क्योंकि इन अंकों की भरपाई दूसरे जगह नहीं हो सकती। ये जो अंक है इनको हम दूसरे जगह से कंपनसेट नहीं कर सकते। तो एक तो है कि आपकी रणनीति में इसका केंद्रीय स्थान होना चाहिए। दूसरी बात यहां पर यह है कि केस स्टडी के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो मैं पहले ही बता देता हूं कि जब तक मैं सारे कॉन्सेप्ट्स, इसके सारे फंडामेंटल्स न बता लूं तब तक भगवान के लिए, अगर आपने कोई YouTube पर वीडियो देखा हो, मेरा देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा होगा तो कृपया उस प्री कंसीव्ड नोशन को थोड़ा एक दो दिन आप दूर रखें ताकि ब्लैंक स्लेट पर कुछ भी लिखना आसान रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। और एक सिंपल लॉजिक है कि अगर केस स्टडी में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड को चेक किया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो है वो घटनाओं के बदलने से नहीं बदलेगा, वो तथ्यों के बदलने से नहीं बदलेगा, वो नए समाचारों के आने से नया नहीं हो जाएगा, मुद्दे नए नहीं होंगे, मुद्दे पुराने होंगे, शाश्वत होंगे। और अगर हम इसको जीएस के दूसरे पेपर्स में जो हमारा पढ़ने का दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसे स्थिति में यहां पर हम इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। वी कांट डू जस्टिस अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट, हम बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं और बात को समझते हैं, 2018 आईएएस का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें लास्ट एक केस स्टडी है स्नोडेन पर, एडवर्ड स्नोडेन पर। एडवर्ड स्नोडेन पर जो केस स्टडी है वो 5-6 साल पहले एडवर्ड स्नोडेन ने कुछ खुलासे किए थे, तो अमेरिका में बहुत बड़ी बहस उत्पन्न हुई थी कि क्या पब्लिक सर्विस में रहने वाला व्यक्ति नैतिकता के नाम पर
कुछ गोपनीय सूचनाओं का खुलासा कर सकता है, और अगर कानून किसी चीज को गलत बताता है तो लोगों के हित के नाम पर, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर क्या किसी चीज को डिस्क्लोज कर सकता है? दरअसल इसमें अगर आप फैक्ट में जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे। ये सिंपल कहानी है नैतिकता और कानून के तनाव की। तो आपको डिस्क्रिप्टिव माइंडसेट से इस पूरे जो भी मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूं उसको डिस्क्रिप्टिव माइंडसेट से नहीं देखना है। आपको जो इश्यूज छिपे हुए हैं उन इश्यूज को पकड़ना है। व्हाट काइंड ऑफ एथिकल इश्यूज आर बीइंग अराइज्ड, जो नैतिक मुद्दे उठ रहे हैं उन नैतिक मुद्दों को आपको पकड़ना है। कुछ डिबेट्स हैं पब्लिक पॉलिसी के, लोक नीति के, वो डिबेट्स जो है अगर उसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस के हैं, वितरणात्मक न्याय के मुद्दे हैं कि जैसे आरक्षण अगर 10% दें तो हम किसको दें, लाभार्थी कौन होगा। तो हम यहाँ पर नौकरियों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट नहीं होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अगेंस्ट होगा। तो ये पब्लिक पॉलिसी का इशू है। इसको हमें केस स्टडी से जोड़कर भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर लाइट बने रहना होगा। आपको वास्तव में चीजों को तथ्यों के बजाय, तथ्यों के पीछे उठाए जा सकने वाले मुद्दों को पकड़ना होगा, और उसको हम लोग कुछ उदाहरण से भी देखेंगे। और उदाहरणों के पीछे आप देखेंगे कि आपको चेक किया जा रहा है, आपको असेस किया जा रहा है। तो भारांश इसका काफी है, इसे इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और आपको डिप्टी कलेक्टर बनाने में 2018 से जो पैटर्न आया है उसमें इस सेक्शन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपने एक तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी की कहानी पढ़ी होगी, जिसको आईपीएस थे, आईएएस बनना चाहते थे और नकल में पकड़े गए। उनको एथिक्स के पेपर में बड़े शानदार नंबर मिले थे, और उसने हिंदू में निकला था कि उसने एक बात कही थी कि कुछ है नहीं, ये वीडियो गेम जैसा है। दरअसल इस पेपर में 10-12-15 बातें हैं, अगर आप समझ लेंगे तो आप देखते ही, जैसे डॉक्टर देखते ही किसी मरीज को डायग्नोसिस करने के बाद मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देता है, आप भी ये कहना शुरू करेंगे कि इसमें यही कदम उठाया जाना चाहिए। तो एक तो ये है कि इसमें थोड़ा माइंडसेट जो है डिस्क्रिप्टिव नहीं रखना है। अब मैं यहाँ पर इस पर आता हूँ, जो पहला बेस है, बेसिक मुद्दा है कि केस स्टडी क्या है, प्रकरण क्या है। मैं कुछ पॉइंट्स बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा और लिखा भी दूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत खतरनाक लोक सेवा आयोग है। सीसेट के पेपर में डिडक्टिव लॉजिक के सवाल पूछता है, ना खतरनाक है, सिंपल लॉजिक नहीं पूछता। हम लोग ये जानते हैं, फिलॉसफी जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि इरविंग एम गोपी की एक किताब आती है निगमनात्मक तर्कशास्त्र की, बहुत फेमस किताब है, वर्ल्ड वाइड चलती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी बहुत धड़ल्ले से सजेस्ट की जाती रही है। तो इरविंग एम गोपी की किताब से कुछ ऐसे सवाल सेट कर दिए गए सी सेट में पिछले वर्षों, जिन सवालों का जवाब रीजनिंग के किसी साधारण मास्टर के पास नहीं था। तो जब ये पेपर चेंज होता है तो एक संभावना हमेशा राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में होती है कि वो अप्लाइड सवाल पूछने के बजाय कई बार प्योर प्रैक्टिकल, प्योर थ्योरेटिकल सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। तो इसको ये भी समझना है। सबसे पहली बात ये कि अगर मैं यहां पर एक आपको ऑप्शन दूं कि केस स्टडी क्या है, वेदर द केस स्टडी इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आर द केस स्टडी इज स्टडी ऑफ द सिचुएशन, ये इस व्यक्ति का अध्ययन है या स्थिति का अध्ययन है या दोनों का है, बताइए। कभी सोचा आपने? सिचुएशन का है, व्यक्ति का है, दोनों का है। कॉमन सेंस देखिए, ये जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा हो, आपने सोचा नहीं इस चीज को लगाने का उद्देश्य क्या है। इस चीज को लगाने का उद्देश्य है कि प्रतिभागी का जो दृष्टिकोण है
जो उसका व्यू है, जो उसका अप्रोच है, जो उसका एटीट्यूड है, उस व्यू को, उस एटीट्यूड को, उस अप्रोच को और अल्टीमेटली उसके एप्टीट्यूड को जज किया जा सके। सबसे पहली बात ये कि केस स्टडी जो है वो एक व्यक्ति का अध्ययन है, और यहां पर नीति शास्त्र के परिचय में ये मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में प्रयोग की जा रही है। केस स्टडी इज ए साइकोलॉजिकल मेथड। साइकोलॉजिकल मेथड कई होते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सब साइकोलॉजिकल मेथड होता है। केस स्टडी भी एक साइकोलॉजिकल मेथड है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो नैदानिक मनोविज्ञान होता है उसमें किसी व्यक्ति का अध्ययन रोगों के निदान के लिए किया जाता है, तो वहां पर वो स्थिति का अध्ययन है मूलतः। लेकिन यहां पर केस स्टडी उत्तर देने वाले के गुणों का अध्ययन है, क्यों कैसे गुण रखता है, वह कैसे गुण रखता है कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गहरा सहपाठी, गहरा दोस्त और सहपाठी तुम्हारे बगल में ही बैठकर नकल कर रहा है, तुम क्या करोगे। अब जो भी जवाब दोगे उससे तुम्हारे गुण क्या होंगे, अभिव्यक्त होंगे। तो केस स्टडी एक मनोवैज्ञानिक विधि है, केस स्टडी एक मूल्यांकन की विधि है। इसमें व्यक्ति का भी मूल्यांकन किया जाता है और स्थितियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में केस स्टडी व्यक्तियों के सामान्य गुणों के मूल्यांकन के लिए लगाई गई है, और इस रूप में वो व्यक्ति के दृष्टिकोण को, व्यक्ति के नजरिए को, व्यक्ति के एप्टीट्यूड को, उसकी अभिक्षमता को, उसके विचारों को जानने और समझने का माध्यम है। इसलिए आपको पता नहीं लगता, लेकिन जब आप किसी मामले में उत्तर देते हैं, जब आप किसी केस में केसेस उत्तर देते हैं, तो उत्तर देने में आपके व्यक्तित्व की, आपकी शख्सियत की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं उजागर हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो केस स्टडी को इस रूप में क्या है समझना है कि केस स्टडी बेसिकली जो आपसे पूछी जा रही है वो साइकोलॉजी का एक मेथड है। लेकिन एथिक्स के पर्चे में केस स्टडी को, और ये भी है कि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में केस स्टडी दूसरे के अनुभवों से सीख लेते हुए सही नीतियों को बनाने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन यहां पर जो कॉपी में आप लिखेंगे तो आप करेक्ट पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसके लिए केस स्टडी नहीं लगाई गई है। आप कैसे आदमी हैं, आपके गुण क्या हैं, आपकी पब्लिक लाइफ को लेकर सोच क्या है, आपको कुछ, आपकी सोशल कुछ इविल जो है, सामाजिक जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर आपका नजरिया क्या है। माइग्रेशन जो हो रहा है ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके की तरफ, उसको लेकर आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, क्या आप इनोवेटिव तरीके से किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यहां इस दृश्य से आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी अलग चीज क्या है हो जाती है। तो कुछ पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, व्हाट इज केस स्टडी। व्हाट इज केस स्टडी, उसमें लिखिए केस स्टडी या प्रकरण एक मूल्यांकन की विधि है, एक मूल्यांकन की विधि है। यह व्यक्ति और स्थिति दोनों का अध्ययन करने वाली विधि है, दोनों का अध्ययन करने वाली विधि है। व्यक्ति और स्थिति दोनों का अध्ययन करने वाली विधि है। मनोविज्ञान में इसे
निदान के लिए और दूसरे व्यक्तियों के अनुभवों से सीख प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है या उपयोग किया जाता है। लेकिन नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में इसे व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों की समझ के लिए और किसी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जो साइकोलॉजिकल मेथड है, तो साइकोलॉजिकल मेथड के कई रूप हैं। उसमें एक है व्यक्ति अध्ययन। अगर आप साइकोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये क्लासिफिकेशन भी मिलेगा, व्यक्ति अध्ययन। उसको अंग्रेजी में वहां पर किया गया है केस स्टडी। ये व्यक्ति अध्ययन शब्द ये बताता है कि व्यक्ति का अध्ययन इसमें केंद्र में है। फिर इसके साथ ही साक्षात्कार, इंटरव्यू भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आत्म प्रतिवेदन, सेल्फ रिपोर्ट भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन आयर दे दिया जाए, उसमें 10 सवाल हो और उसमें आप ही के बारे में हो कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, तो सेल्फ रिपोर्ट के माध्यम से भी जाना जा सकता है। तो केस स्टडी इस रूप में क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, असेसमेंट के लिए यूज की जा रही है। अब असेसमेंट में क्लियर होना चाहिए कि यहां पर सिचुएशन असेसमेंट के लिए नहीं है, ये व्यक्ति के असेसमेंट के लिए है। इसलिए जो आप लिखेंगे आपको उसके आधार पर मेजर किया जाएगा। दूसरा इसका पहलू है कि केस स्टडी क्यों, लगाई गई है। तीन चार कारण है, तीन प्रमुख कारण है। पहला कि आपकी अभिक्षमता को चेक करने के लिए, आपकी अभिक्षमता को जांचने के लिए केस स्टडी लगाई गई है। दूसरा, आपकी अभिवृत्ति को, आपके एटीट्यूड को चेक करने के लिए भी केस स्टडी लगाई गई है। आपके निर्णयन को, डिसीजन मेकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को चेक करने के लिए भी केस स्टडी लगाई गई है। सामाजिक मुद्दों पर आप सोच क्या रखते हैं, इसको जानने के लिए भी केस स्टडी लगाई गई है। तो केस स्टडी को लगाने के चार उद्देश्य हैं। सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि प्रतिभागी की अभिक्षमता को, उसके एप्टीट्यूड को चेक करना। और एप्टीट्यूड जो है वो विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को कहते हैं। हमारे अंदर जो सीखने की संभावना होती है, सीखने की जो क्षमता होती है, उस सीखने की संभावना या सीखने की क्षमता को एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड भी एक एबिलिटी है, लेकिन ये पर्टिकुलर फील्ड की पर्टिकुलर एबिलिटी है। जैसे सचिन तेंदुलकर का क्रिकेटिंग एप्टीट्यूड बहुत शानदार था, तो क्रिकेट के क्षेत्र की
जगजीत सिंह की गजल गायकी बहुत अच्छी थी, तो जब हम विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता की बात करते हैं तो उसे अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता भी एक प्रकार की योग्यता है। यहाँ पर आपकी प्रशासनिक अभिक्षमता को चेक किया जाएगा, और प्रशासनिक अभिक्षमता में केंद्रीय तत्व होता है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। तो इसको भी पॉइंट में लिख लीजिए कि केस स्टडी क्यों लगाई गई है, वाई केस स्टडी। पहला, उम्मीदवार की अभिक्षमता को जांचने के लिए, फॉर द असेसमेंट ऑफ एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, फॉर द असेसमेंट ऑफ एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, उम्मीदवार की अभिक्षमता को जांचने के लिए। दूसरा, उम्मीदवार के अभिवृत्ति और उपागम को जांचने के लिए, फॉर द असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड अप्रोच। फॉर द असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड अप्रोच, अभिवृत्ति और उपागम। अप्रोच को शुद्ध हिंदी में उपागम कहते हैं, नजरिया भी कहा जाता है। उम्मीदवार के अभिवृत्ति और उपागम को जांचने के लिए। तीसरा, उम्मीदवार के निर्णयन की योग्यता, और समस्या समाधान की योग्यता को जांचने के लिए। समस्या समाधान की योग्यता को जांचने के लिए। चौथा, सामाजिक मुद्दों पर उसके दृष्टिकोण को परखने के लिए। फॉर द असेसमेंट ऑफ डीलिंग द सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों पर उसके दृष्टिकोण को परखने के लिए। ठीक है, इसलिए अलर्ट आपको ये रहना है कि आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच, ये सब चेक किया जाएगा। एक और बात जो आप जानते भी होंगे लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि हम लोग आगे केस स्टडी में इसका इस्तेमाल कर सके। देखिए, जो जीएस के अदर पेपर्स हैं मुख्य परीक्षा में, और जो जीएस का पेपर 4 है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जीएस का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आपके इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को चेक करने के लिए लगाया गया है। आपकी, आपके बौद्धिक गुणों को जानने के लिए लगाया गया है। आपकी समझदारी को चेक करने के लिए लगाया गया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए लगाया गया है। और यूपीएससी खुद अपने नोटिफिकेशन में कहती है, जिसका हम यूपीपीसीएस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपके रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या मेमोरी को चेक करने के लिए नहीं लगाया गया है। लेकिन जो जीएस का पेपर 4 है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स के बजाय आपके आपके भीतर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए लगाया गया है। और अभी आपने देखा कि हम ये कह रहे हैं कि ये चेक क्या करता है, ये आपके एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है, ये आपके एटीट्यूड को चेक कर रहा है, ये आपके अप्रोच को चेक कर रहा है, बाकी पेपर्स ये नहीं करते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिमिनेशन, दिस डिफरेंस। ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इसकी आवश्यकता अलग है। अब यहां पर इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, मैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर कितनी जानकारी रखता हूं, भारत का, एशियाई का, एशिया का जो वर्तमान परिदृश्य है भारत पर, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है,
ये मेरे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स हैं, ये जानकार समझदार आदमी को जानना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट भी यहां से अलग हो जाती है। और ये बात हम लोग यूपीएससी के नोटिफिकेशन से एकदम निकाल सकते हैं कि द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट रादर देन रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मुख्य परीक्षा आपके बौद्धिक गुणों और गहन समझदारी का परीक्षण करती है, न कि आपके तथ्यों का या तथ्यों की परास का। यहां पर यह भी है कि थोड़ा यहां पर मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा से अलग हो गई, लेकिन एथिक्स का जो पेपर है, उस एथिक्स के पेपर में सबसे बड़ी बात है कि जो ऑब्जेक्टिव रखा गया, एकमात्र इकलौता पेपर है जिसमें 5 लाइन का इंस्ट्रक्शन दिया गया। आपको एक केस स्टडी की बुकलेट प्रोवाइड की गई है, आप उसका पहला पेज खोलिए और उसके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए, रीड द इंस्ट्रक्शन, उसमें देखिए कि क्या क्या है। ये वाला पेज जो है, जैसे इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ना चाहिए, अधिकारी बनने जा रहे हो तो अधिकारी का सबसे पहला काम यही होता है कि निर्देश पढ़े, तभी वो टिप्पणी उपड़ी लिख पाएगा, नोटिंग तभी देगा। अच्छा, इसको आप पढ़िए, यहीं से चीजें खुल जाएंगी। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज के आचार व्यवहार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करें। एक अग्नि परीक्षा सीता ने दी थी, बिल्कुल गड़बड़ अग्नि परीक्षा थी, और एक अग्नि परीक्षा आपको भी देना है। और ये भी परीक्षा जो है ये अलग टर्फ पर है, आप देखिए इसमें ध्यान दीजिए, और इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। अगली लाइन को आप देखिए ध्यान से, इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन का माध्यम भी चुना जा सकता है, और उसके बाद सिलेबस दिया गया मुख्य रूप से, तो जो 8 टॉपिक्स दिए गए उसके बाद दिए गए। अगर आप इंग्लिश वाले वर्जन को पढ़ेंगे तो बातें और क्लियर होंगी। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यूज एंड कंफ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। क्वेश्चन मे यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दीज एस्पेक्ट, और उसके बाद सिलेबस दिया गया। अब यहां पर आप निशान लगा सकते हैं, ध्यान से आप देखिए कि आपका क्या, किन मुद्दों पर आपको चेक किया जाएगा। पहला है इंटीग्रिटी। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, केस स्टडी का पहला प्रकार होगा इंटीग्रिटी, सौजन्य से यूपीएससी पूछा जाएगा। दूसरा प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, आप खुद प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हैं। कई लोग खुद समस्या बन जाते हैं, हम लोगों से भी मिलते हैं तो पहली लाइन शुरू में कि सर एक समस्या है यार, धरती फट जाए और हम समा जाएं, पहले ही शुरू कर रहे हो नेगेटिव नोट से। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं होता, वो सॉल्यूशन का पार्ट होता है, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम्स ही आएंगी, आप ये नहीं कह सकते कि आप खुद प्रॉब्लम हो, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपकी चेक की जाएगी। एंड कंफ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटीज, 4 तरह की केस स्टडी होगी। तो अब इसी से मैं आपको ये निकाल, ये इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखिए, इधर उधर भटकने से बचिए भगवान के लिए, केस स्टडी के बहुत सारे प्रकार मत खोजिए, कुछ रहम करिए पेपर बनाने वालों पर कि मैं 50 प्रकार की केस स्टडी करूंगा, 100 प्रकार की करूंगा, उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए यही से एक चीज निकलती है, अगर हम कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो केस स्टडी 4 प्रकार की होगी, इंटीग्रिटी रिलेटेड,
प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड और कंफ्लिक्ट फेस्ड बाय कैंडिडेट इन डीलिंग विद सोसाइटी, चार प्रकार की होगी। अगर सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो सात प्रकार की होगी। ह्यूमन वैल्यूज पर पूछ लो, एटीट्यूड पर पूछ लो, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज पर पूछ लो, इमोशनल इंटेलिजेंस पर पूछ लो, थिंकर्स पर कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ पर पूछ लो। तो सिलेबस के हिसाब से देखें, क्योंकि नीचे कहा गया कि किसी मामले के अध्ययन का माध्यम भी चुना जा सकता है और मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। तो आपको केस स्टडी जो है वो छोटा बघारा के मकान मालिकों की जो गड़बड़ियां हैं उन पर नहीं पूछा जाएगा। अब आप उस पर केस स्टडी तैयार कर रहे हैं कि नहीं मैं इस पर तैयार करूंगा, या पर्सनल लाइफ की केस स्टडी आप तैयार करने की, एक दुकानदार ने मुझे कैसे ठगा, मैं ये केस स्टडी, इस पर केस स्टडी तैयार करने की जो अगले इसमें आप आए केस स्टडी के प्रकार, इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। काइंड ऑफ केस स्टडी, पहला सत्यनिष्ठा से संबंधित, दूसरा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से संबंधित, सत्यनिष्ठा से संबंधित मामला अध्ययन या प्रकरण के प्रकार, प्रकरण के प्रकार, सत्यनिष्ठा से संबंधित, इंटीग्रिटी से संबंधित। अब कुछ बच्चे जो आज से यात्रा शुरू कर रहे होंगे उनको ये बहुत भारी भरकम शब्द लगेगा, फिर दोहरा रहा हूं, पुराने बच्चे जानते होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ा भूल भी गए होंगे। तो देखो इंसान कई बार क्या हो जाता है ना, भीतर से बट जाता है। हिस्ट्री लूं कि सोशल वर्क लूं कि डिफेंस ले लूं कि संगम में कूद जाऊं, बट गए ना भीतर से। अब दो ऑप्शन आते हैं, तो भीतर से जब आप डिवाइड हो जाएं तो आपका टुगेदरनेस जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेचैन आप हो जाएंगे, असमंजस हो जाएगा, अर्जुन से भी बुरी हालत हो जाएगी। कि कुल बचे दिन 2 महीना 15 और पूरा ऑप्शनल तैयार करना है। तो जैसे ही आप डिवाइड हो जाएंगे यू लूज योर इंटीग्रिटी, आपकी इंटीग्रिटी क्या हो जाती है, ये भीतर से बटना हुआ। एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, उस मानक के अनुरूप मुझे बिहेव करना था लेकिन मैंने उस मानक के अनुरूप बिहेव नहीं किया तो भी मेरी इंटीग्रिटी क्या हो गई, खत्म। तो इंटीग्रिटी बीइंग इंटेग्रल टू समथिंग, Not being divided to something, being diluted to something, it is not quality of integrity. So integrity is a much more different concept from all other concepts like honesty, probity, सबसे अलग है। अगर मैं भीतर से बट गया तो मेरे भीतर conflict पैदा हो गया और जैसे ही conflict पैदा हुआ you are not integral, you have lose your togetherness, तुम भीतर से बट गए। तो यहां पर सबसे जो बेसिक चीज है उस बेसिक चीज को आप समझिए, सत्यनिष्ठा। अब कैसे है कि आप टीएसपी बने, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी पोस्टिंग लग गई, आप किसी अच्छे जिले में तैनात हैं, तो अब यहां पर पुलिस प्रशासन के कुछ मानक हैं, उन मानकों के अनुरूप अगर व्यवहार है तो यू हैव सॉलिड इंटीग्रिटी, यू हैव अनडिवाइडेड इंटीग्रिटी। और अगर उन मानकों के अनुरूप व्यवहार नहीं है तो आपकी इंटीग्रिटी, तब हम लोग कहते हैं कि बड़ा ही संदेहास्पद आदमी है, बड़ा ही दागदार है। और जैसे इंडिया टुडे जैसी मैगजीन्स यूज करती हैं, बेदाग सत्यनिष्ठा, अनडाउटेड इंटीग्रिटी। तो एक तो है कि इस कॉन्सेप्ट को क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा और ये बताने की जरूरत नहीं है कि पब्लिक सर्विस में सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है, ठीक है। फिर एक और चीज है, फिर मैं दोहरा देता हूं क्योंकि आगे हम लोग केस स्टडी सॉल्व करने के लिए इसका यूज करेंगे,
मैंने पहले भी कहा था कि सत्यनिष्ठा जो है दो चीजों का योग है, ऑनेस्टी और ड्यूटी। अगर मैं ड्यूटी निभाता हूं तो इसका मतलब मैं मानक के अनुरूप काम कर रहा हूं, तो ईमानदारी के साथ जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है वह क्या होता है, सत्यनिष्ठ होता है। लेकिन भगवान के लिए सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को एक मत करिएगा। कई बार आदमी बेईमान होते हुए भी सत्यनिष्ठ हो सकता है, दिक्कत ये भी है, आगे इस पर डिस्कस करेंगे जब बैलूज का कंफ्लिक्ट होगा। तो चार तरह की केस स्टडी, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा केस स्टडी इसी पर आपको सॉल्व मैं कराऊंगा, और ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूं, आपकी किस्मत अगर साथ देगी तो एकाध सवाल वहां पर आपको वैसे ही हूबहू मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। पेज नंबर 202 पिछला जो नोट्स है मेरा, अगर आप खोल कर देखेंगे तो स्नोडन की एक केस स्टडी 2013 में मैंने दी थी जो 2018 में पूछी गई। मुझे ये गलत फहमी है, खुशफहमी भी आप कह सकते हैं, कि अगर इस पेपर के अप्रोच को सही से पकड़ा जाए तो सवालों के रेंज में, फोकस में और लोकस में जाकर बात की जा सकती है। चार प्रकार की केस स्टडी हो गई, सत्यनिष्ठा से संबंधित आपने लिख लिया, दूसरा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ, तीसरा निर्णयन और समस्या समाधान, चौथा समाज के आचार व्यवहार से जुड़े हुए, समाज के आचार व्यवहार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों का समाधान। सॉल्यूशन ऑफ डीलिंग विथ सोशल इश्यूज, ठीक है, ये चार होगा, ये सबसे अच्छा डिवीजन है। अब सिलेबस के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पर केस स्टडी का जो वर्गीकरण है वो तीन आधारों पर कर रहा हूं, या और भी आधार पर हम कर सकते हैं। एक तो हम प्रतिभागी के नजरिए से करें कि केस स्टडी में क्या चेक किया जा रहा है, तो वहां पर ये चार प्रकार की केस स्टडी होंगी जो भी मैंने आपको बताया। सिलेबस के नजरिए से कर सकते हैं, तो सिलेबस के नजरिए से आप करेंगे तो सात क्षेत्रों को आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे पहला है मानवीय मूल्य, दूसरा है अभिवृत्ति, तीसरा है सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, सिलेबस तो याद हुआ नहीं अभी आप लोगों को, चौथा क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, पांचवा क्या है, योगदान, छठवां क्या है, पब्लिक सर्विस एथिक्स या पब्लिक एथिक्स, सार्वजनिक नीति शास्त्र से जुड़े हुए मूल्य, सातवां क्या है, प्रॉबिटी, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, गवर्नेंस से जुड़े हुए मुद्दे, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, और आठवां खुद केस स्टडी है, तो केस स्टडी किसी विषय पर ही तो दी जाएगी, तो जो विषय है वो ये है, जो केस स्टडी है वो किसी विषय पर ही दी जाएगी। जैसे कि आप बहुत सरदर्द कर रहा है, आपके पास एटीएम सारे बंद हैं या पैसे नहीं है, पार्टनर के जेब में पैसा है लेकिन वो गायब है, तो बिना बताए पैसा निकालना चोरी होगा, और सरदर्द कर रहा, देर करना शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो यहां पर क्या है कि ईमानदारी और तकलीफ दोनों के बीच में द्वंद है, ये मूल्यों की समस्या है। तो किसी भी चीज पर आपसे केस स्टडी पूछी जाएगी लेकिन वो उसका विषय क्षेत्र ये होगा। फिर एक सिंपल डिवीजन हम कर सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, इस तरह से भी हम डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिलेबस में 17 प्रकार की केस स्टडी दी। ये पूरी लिस्ट आपको पहले हमने दी थी, उसको दोहराना यहाँ पर बेकार है, क्योंकि जैसे उसमें कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं, आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई समस्याएं, तो उसमें अलग अलग समस्याओं या क्षेत्रों के आधार पर केस स्टडी को बांटा जाता है। तो केस स्टडी को प्रतिभागी के आधार पर जब आप करेंगे तो ये हुआ सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, निर्णयन और समाज से जुड़े हुए मुद्दे पाठ्यक्रम के हिसाब से करेंगे तो ये, और अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से करेंगे तो आपको एरियाज के आधार पर केस स्टडी को समझना पड़ेगा। कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से मुद्दे इसमें आ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज आर अराइजिंग, तो नैतिक मुद्दे, कानूनी मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, तो केस स्टडी में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से कर लेंगे। तो प्रतिभागी के अनुसार ये हो गया, पाठ्यक्रम के अनुसार ये हुआ, बाकी चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं, इसको हल करने के संदर्भ में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें बताने के पहले यहाँ पर सबसे जो जरूरी बात है वो ये आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब आप किसी केस स्टडी को पढ़ते हैं तो आपको किन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे हमने कहा कि केस स्टडी असेसमेंट ऑफ एप्टीट्यूड भी है और केस स्टडी असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड भी है, तो कैसे आप ये पहचानेंगे कि आपका एप्टीट्यूड ये चेक किया जा रहा है और कैसे आप ये पहचानेंगे कि आपका एटीट्यूड चेक किया जा रहा है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप किसी भी पैसेज को या कोई भी पैसेज जो है इसको पढ़ते समय आप यहां पर आप इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें वास्तव में पूछा क्या गया है। तो जब आप किसी केस स्टडी को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी पहली और लास्ट लाइन जो होती है, स्टार्टिंग लाइन और कंक्लूडिंग लाइन, उसमें देखिए कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। आपको एक जिले का अधिकारी नियुक्त किया गया, शुरुआती लाइन ये है। आप क्या करेंगे ये लास्ट लाइन है। मेरा यहां पर आपसे सवाल है कि जब किसी केस स्टडी के शुरुआत में ये लाइन होगी कि आप जिले के अधिकारी हैं और लास्ट में ये लाइन होगी कि आप इस स्थिति में क्या करेंगे, तो चार प्रकार की केस स्टडी में ये किस प्रकार की केस स्टडी है, सत्यनिष्ठा से संबंधित है, सार्वजनिक जीवन की ईमानदारी से संबंधित है, निर्णयन से संबंधित है या समस्या समाधान से संबंधित है। निर्णयन से, जैसे इंग्लिश वाले वर्जन को देखें, जस्टिफाई योर एक्शंस। इसी तरह से कहा गया कि हाउ शुड वन रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, इस स्थिति में एक व्यक्ति को कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इसी तरह से आप लास्ट लाइन देखेंगे कि फेस्ड विद सिचुएशन व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। फिर फेस्ड यहां पर कि आपसे ये पूछा गया कि आप अगर इस स्थिति में होते तो आप कौन सी कार्यवाही करना चाहते। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना होगा कि एक प्रकार की केस स्टडी वह होती है जिसमें आपकी कार्यवाही को असेस किया जाता है और एक प्रकार दूसरे प्रकार की केस स्टडी वह होती है जहां पर आपके विचारों को असेस किया जाता है। एक प्रकार की केस स्टडी वह है जहां पर आपके जो एक्शंस हैं, जो आप स्टेप्स उठाएंगे, जो आप मेजर्स सजेस्ट करेंगे, उनको जज किया जाएगा। और दूसरे प्रकार की केस स्टडी है कि आपके व्यूज क्या हैं, व्हेन
your actions are being assessed. जब आपकी कार्यवाहियां मूल्यांकन का विषय बनती हैं, तो वह सत्यनिष्ठा से संबंधित क्या है, केस स्टडी है। और जब आपके विचार मूल्यांकन के विषय बनते हैं, वह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से संबंधित क्या है, केस स्टडी है। पूरा लोग पढ़ जाते हैं, पूरा रामचरित मानस पढ़ जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सी केस स्टडी इंटीग्रिटी रिलेटेड है और कौन सी केस स्टडी प्रॉबिटी रिलेटेड है। आप इसको थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिए कि हमने आपसे कहा कि आप इलाहाबाद के जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं और एक महिला जिसके पास कोई कागज पत्र नहीं है, वह आपके यहाँ आती है और वो कहती है कि वह रियल में बेनिफिशरी है लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यहां पर आपको जो कुछ करना है वो कार्यवाही का पार्ट है। आपके विचार क्या है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपने एक्शन क्या लिया। यहां आपकी इंटीग्रिटी को चेक किया जा रहा है। तो व्हेन योर एक्शंस आर बीइंग असेस्ड, वहां जब ऐसी स्थिति हो, जब आपके एक्शंस असेस्ट किए जाएं, असेसमेंट हो, तो हमेशा आपकी इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है। और जब आपके किसी भी विषय पर, जैसे लोकपाल पर, लोकायुक्त पर, स्वच्छता पर, दहेज पर, इन सब पर, लड़कियों के स्कूल जाने के मामले पर, शिक्षा पर, इन सब पर आपके केवल विचारों को सजेस्ट किया जाए, माइग्रेशन पर आपके विचारों को सजेस्ट किया जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपके एक्शंस नहीं बल्कि एक्शंस के बजाय आपके व्यूज को असेस किया जा रहा है। तो कुछ यहां पर मैं आपको 7-8 थंब रूल बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, जिनसे आपको केस स्टडी जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये चीज यहां पर है, आप डायग्नोस अच्छा कर पाएंगे और जितना अच्छा डायग्नोसिस होगा उतना ही अच्छा आपका प्रिस्क्रिप्शन भी होगा। तो अब यहां पर नेक्स्ट एक हेडिंग नाम डालेंगे, 7 टिप्स ऑफ केस स्टडी आंसर राइटिंग। प्रकरण के उत्तर लेखन के लिए 7 महत्वपूर्ण बातें, 7 टिप्स ऑफ केस स्टडी आंसर राइटिंग। प्रकरण के उत्तर लेखन के लिए 7 बातें।